बनेगी इस साल की सुपरहिट फिल्म? क्या RRR देगी KGF 2 को टक्कर? और क्या होगा अगर नहीं मिला KGF जितना प्यार KGF 2 को? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। कोरोना के बाद इस साल कई फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं, जिनका फैंस को बहुत टाइम से इंतजार था। उसी में से एक फिल्म KGF 2 भी है जो इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। पर इससे पहले साउथ की एक और फिल्म RRR बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। दोस्तों, फिल्म के निर्देशक SS राजमौली अपनी फिल्म RRR मार्च में लेकर आ रहे हैं और KGF 2 अप्रैल में आएगी, जिससे दोनों फिल्मों में टकराव दिखाई दे सकता है। राजमौली की फिल्मों का लोगों को इंतजार है। फिल्म पहले जनवरी में रिलीज होने वाली थी, पर कोरोना की दूसरी लहर की वजह से फिल्म की रिलीज डेट मार्च में तय कर दी गई है। दूसरी तरफ KGF 2 का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दुनिया को जीतने वाले रॉकी के सामने अब साउथ के दो मशहूर एक्टर NTR और राम की फिल्म RRR बीच में आ गई है, जो की फिल्म के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। ऐसे में रॉकी दुनिया भले ही जीत ले, पर ऑडियंस जीतने में शायद हार जाए। दोस्तों, फिल्म पहले ही बहुत देर से सिनेमा पर आ रही है। ऐसे में इसका टकराव राजमौली की फिल्म RRR, जिसमें साउथ के दो अभिनेता हैं जो साउथ में भगवान की तरह माने जाते हैं, ऊपर से फिल्म KGF 2 से पहले रिलीज होने वाली है। पुष्पा के आने से वैसे रॉकी का स्टाइल कमजोर पड़ गया है। ऐसे में RRR आने के बाद KGF 2 का आना मेकर्स के लिए नुकसान साबित हो सकता है। हर फिल्म के पहले पार्ट के बाद अक्सर लोगों को उसके दूसरे पार्ट के आने का इंतजार रहता है। ऐसे ही एक फिल्म KGF, जिसका पहला पार्ट आते ही पूरे इंडिया में अपने करोड़ फैंस बना लिए थे और अब उसके दूसरे पार्ट का इंतजार लोगों को बहुत करना पड़ रहा है। अब जाके वो सिनेमा घरों के पर्दे पर आने वाली है। दोस्तों, बता दें कि साउथ की फिल्मों का एक्शन जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, आज इसी एक्शन स्टाइल की कॉपी करते दिखाई देते हैं, जिसमें साउथ की कई फिल्मों ने बॉलीवुड की फिल्मों का एक्शन और कहानी को पछाड़ दिया है। दोस्तों, KGF 2 के ट्रेलर के आते ही उसके पहले दिन में करोड़ों व्यूज के बाद साबित हो गया है कि लोग अभी भी रॉकी भाई के जलवे को नहीं भूले हैं और फिल्म अब 2022 को अपना बनाने जा रही है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाई देने वाला एक्शन और थ्रिलर ऑडियंस को अपना बना लेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बाहुबली 2 के बाद साउथ की फिल्म KGF 2 का दूसरा पार्ट इस साल का सुपरहिट कहलाएगा। KGF के बाद लोगों ने फिल्म के दूसरे पार्ट का बहुत इंतजार करा, पर कभी कोरोना और कभी फिल्म की शूटिंग की वजह से रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया जा रहा था। दोस्तों, पूरे 4 साल बाद अब जाके फिल्म की एक बार और रिलीज डेट निकली है, पर इस बीच काफी कुछ बदल गया है। लोग रॉकी के किरदार, जिसके KGF के बाद फैन बढ़ गए थे, उसे भूलते नजर आ रहे हैं। और फिल्म पुष्पा में दिखाई दिए अल्लू अर्जुन के गैंगस्टर लुक और कॉमेडी रोल के बाद पुष्पा के स्टाइल के फैन बन गए हैं। फिल्म KGF 2 की बार बार रिलीज डेट आगे बढ़ाने से लोग अब काफी हद तक कहानी के पहले पार्ट की कहानी को भूल गए हैं। अब दोस्तों, ऐसे में अगर फिल्म को पहले पार्ट जितना प्यार भी पर्दे पर नहीं मिला, तो ऐसे में निर्देशक और प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आपको क्या लगता है, रॉकी के फैंस पर्दे पर उन्हें देखने आएंगे और फिल्म सुपरहिट कहलाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर हैं गौरव।